स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों IPL 2020 से पहले ये खबर जो है वो काफी ज्यादा फैल रही है कि IPL 2020 में हमें दो नई टीमें जो है वो दिखाई दे सकती हैं, यानी कि टोटल 10 टीमें IPL 2020 में खेलती हुई दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों इस पर BCCI ने अपना आखिरी फैसला जो है वो ले लिया है, अपना फाइनल डिसीजन जो है वो सुना दिया है 10 टीमों को लेकर, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यहां पर 10 टीमें खेलेंगी या फिर 8 टीमें खेलेंगी IPL 2020 में, क्या जो डिसीजन है वो लिया है BCCI ने। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आप क्या चाहते हैं, कितनी टीमें खेलनी चाहिए IPL 2020 में, 8 या फिर 10? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि IPL 2019 के कुछ महीनों बाद जो है एक मीटिंग रखी गई थी सभी फ्रेंचाइज ओनर्स द्वारा, जहां पर मीटिंग में जो है वो बातचीत की गई थी दो नई टीमों को लेकर, जहां पर सभी फ्रेंचाइज ओनर जो हैं दो एडिशनल टीमों के लिए राजी थे, यानी कि 10 टीमों के साथ IPL 2020 जो है वो खेलना चाहते थे। जहां पर दोस्तों एक ऑफिशियल ने जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड करी थी उन्होंने बताया था कि सभी टीमें जो है दो एडिशनल टीमों के लिए राजी हैं, यहां पर फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा BCCI के द्वारा कि 10 टीमें रहती हैं या फिर 8 टीमें रहती हैं। और इसके बाद दोस्तों सभी को इंतजार था BCCI के डिसीजन का, और आपको बता दें कि यहां पर BCCI ने फाइनल डिसीजन ले लिया है, जहां पर BCCI के एक ऑफिशियल ने इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे दिया है, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि IPL 2020 में कोई भी दो एडिशनल टीमें जो है वो नहीं आने वाली, और सेम 8 टीमों के साथ IPL 2020 भी जो है वो होने वाला है। जहां पर दोस्तों BCCI के ऑफिशियल ने इस मीटिंग के बारे में भी बताया, जहां पर उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के बारे में BCCI को कोई भी जानकारी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि वो BCCI को जो है वो चला लेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यहां पर एक बड़ी बात BCCI ऑफिशियल ने भी कही, जहां पर उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि दो नई टीमें जो है वो IPL में आए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को समझना भी जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, जहां पर IPL में दो नई टीमों को लाने में काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो होती है, और अभी वो IPL में जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं, ना कि दो नई टीमों को लाना चाहते हैं। यानी कि 8 टीमों के साथ ही BCCI जो है वो जाना चाहती है, और 8 टीमों के साथ ही IPL 2020 भी जो है वो हमें होता हुआ दिखाई देने वाला है। मीटिंग हुई जरूर थी फ्रेंचाइज ओनर्स की, लेकिन BCCI का जो एक्शन है वो यहां पर थोड़ा सा अलग, जहां पर BCCI पहले स्टेबिलिटी चाहती है, ना कि दो एडिशनल टीमों को IPL में लाना। तो दोस्तों ये फाइनल डिसीजन जो है BCCI ने ले लिया है। आपको एक और बता दें कि 8 टीमों के साथ ही IPL 2020 होगा, दो नई टीमें नहीं आने वाली। ये सारी खबर जो अभी तक आ रही थी उसका जो आखिरी फैसला है वो यहां पर BCCI ने दे दिया है। तो दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। आप क्या इस खबर से खुश हैं? क्या आप चाहते थे कि 10 टीमें हो या फिर 8 टीमों से आप खुश हैं? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।